गजपुर में चारभुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर। गजपुर में चारभुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंदिर में रंग रोगन के साथ ही पूरे मंदिर में सजावट की जा रही है। भगवत सिंह सोलंकी ने बताया कि गजपुर में चारभुजा मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मंगलवार को होगा। इससे पूर्व मंदिर में रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, साथ ही मंदिर पर सजावट का कार्य चल रहा है। वहीं महाप्रसादी को लेकर मंदिर में भोजन बनाने की भी तैयारी चल रही है। बताया कि 16 मई को दोपहर में कलश व वरघोड़ा निकाला जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे महाप्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें गजपुर सहित आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामवासी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आइए अब जानते हैं क्या कुछ बोले ग्रामवासी। चारभुजा ठाकुर जी का गजपुर में नया मंदिर बनाया हुआ है, उसमें कल 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। समस्त ग्रामवासी भी इसमें लगे हुए हैं, रसोई भी बन रही है। 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, शाम को जागरण रखा गया है और शाम को कुछ भजन पार्टी भी है। 16 मई को रात्रि में भजन संध्या व रात्रि जागरण होगा, जिसमें आशा पहाड़िया व सुरेंद्र पहाड़िया भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इसके बाद 17 मई बुधवार को प्रातः 4 बजे हवन होगा। वहीं 7:30 बजे मूर्ति व प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इसके बाद दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। बिजनौर में कलेक्टर ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। बिजनौर में चल रहे महंगाई राहत शिविर में अचानक जिला कलेक्टर पहुंच गए। शिविर में पहुंचने के बाद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने शिविर में अलग अलग विभागवार लगे काउंटरों का निरीक्षण किया, साथ ही शिविर में आए ग्रामीणों से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिविर का फीडबैक लिया, साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस समय नहीं एक दिन का बिल चाहिए था।